आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसाला छाछ की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है और गर्मियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, गर्मियों में सभी को बहुत ही पसंद आएगी। इसे बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो जाती है और हेल्दी भी है। समर्स के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। समर्स में हमें छाछ जरूर पीनी चाहिए और मसाला छाछ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप दही लिया हुआ है, थोड़े से आइस क्यूब्स लिए हुए हैं, थोड़ा हरा धनिया लिया हुआ है जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, 1 हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा पुदीना पत्ता लिया है इसे भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सिंपल नमक और ये भुना हुआ जीरा पाउडर। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक जार लेंगे और इस जार में हम ये हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च के साथ हम इसमें पुदीना पत्ता और हरा धनिया भी डाल देंगे। अगर आपको पुदीना पत्ता कम पसंद है तो आप कम डालें, या फिर ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डालें। इसी तरह आप धनिया की भी क्वांटिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा दही डाल दूंगी, 2-3 चम्मच ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। और इसे एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये सभी चीजें अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो बस इसे अच्छे से मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है और बहुत ज्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाया है। अब इसमें हम पूरा दही डाल देंगे, जो हमने लिया था 1 कप वो सारा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। अब इसमें हम आइस क्यूब्स भी डाल देंगे। अगर आप आइस क्यूब्स यूज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ठंडा पानी भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा काला नमक और फिर इसमें हम थोड़ा सा सिंपल नमक भी डाल देंगे। अगर आपको सिर्फ काला नमक डालना है तो आप काला नमक डालिए और सिर्फ सिंपल नमक डालना है तो सिंपल नमक डालिए और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हमारी छाछ बनकर तैयार है और बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू भी होती है। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे और अगर आपको इसे बाद में सर्व करना है तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है छाछ। इस तरह से आपकी छाछ जरूर ट्राई करें। तो बस ये हमारी छाछ बनकर तैयार है। हम इसे थोड़ा सा सर्व करने के लिए अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पर इसमें जीरा पाउडर डाल दिया है। इस तरह से मैंने इसे स्प्रिंकल किया है थोड़ा सा। अब इसके ऊपर हम एक पुदीना पत्ता लगा देंगे जिससे ये बहुत ही अच्छा लगेगा और अच्छे से ये बनकर तैयार है। इस तरह से आप ये जब भी मन करे बनाकर ट्राई कर सकते हैं। समर्स में ये सभी को बहुत पसंद आएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।